मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला इज 1/f = 1/u. एफ तो क्लियर है, इज अ फोकल लेंथ. व्हाट इज वी? तो अब हम यहाँ पर सब अपनी कॉपी में कनकेव मिरर से एक इमेज फॉर्मेशन करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा वो बियॉन्ड सी होगा. ठीक है, ये हमारा एफ है और ये हमारा सी है. बियॉन्ड सी पे इसका इमेज बना के दिखाइए जल्दी से कॉपी में. जल्दी जल्दी कौन बनाता सबसे पहले देखते हैं. सबसे पहले कौन बनाता है? जल्दी क्विक. जब आप बनाएंगे फिर मैं आपकी नकल मार के मैं बना दूंगा. अभी मैं जल्दी आ रहा हूँ ना. बना दिया? किसने बनाया? गुड. कहाँ बनाया इमेज? बिटवीन सी एंड एफ. और ये आपकी लहरें क्यों आ रही है? ठीक है बेटा, तो दिस इज द इमेज. दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज द पी. ओके क्लियर है? सबका बन गया? यस. अब हमें ट्रायंगल दिख रहा है यहां से. हाँ, सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी. सी डैश नहीं, सी. इसमें क्या है? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू कितना है? बी सी क्यों नहीं ले रहे? ए सी बाय ए डैश सी, उसकी जरूरत नहीं है. उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता. हम वही काम करते हैं जिधर हमें. अब जैसे बाहर स्कूल से जाओगे एक रास्ते इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर वाला ही क्यों पकड़ते हो? इधर वाले क्यों नहीं पकड़ते हो? कभी घर जाना है, घर पर मतलब इधर वाला इसलिए नहीं पढ़ा, मेरे मतलब का नहीं है अभी. तो इसलिए यहाँ पर देखना है कि ये क्यों नहीं लिया हमने. मैथ्स में तो ये भी पढ़ा था हमने. तो ये हम क्या लेंगे? बी सी अपॉन सी इक्वेशन वन. अब दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ से ले सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालू. ठीक है, तो इसको एन ले सकते हैं. अब कौन सा ट्रायंगल बना? ट्रायंगल इसको एम ले लेते हैं. एम एन एफ एंड ए डैश बी डैश एफ. क्लियर है? इसमें क्या हुआ बताओ? कौन बच्चे बताएगा? बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हैं बट ये एमएफ चलेगा नहीं. ठीक है बेटा, आप यूज क्या है आपको देखिए. आपको जिस इमेज डिस्टेंस ही होगी, फोकल लेंथ ही होगी, तो आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे सारे डिस्टेंस वो आएंगे. फिर जो वाली आएंगे उनका तो कोई यूज नहीं आ रहा है, इसलिए वो कोई यूज नहीं कर रहा. यस करेक्ट. एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू, दिस विल बी एम एन अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू किसके बराबर? तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं. हमने कहा था कि
वी क्या चीज है? इमेज मीन्स बीपी, बढ़ाना नहीं है बीपी, ठीक है? हाँ, मतलब सवाल नहीं आ रहा तो बीपी नहीं बढ़ाना, सॉल्व कर देंगे। यू क्या चीज है? वेरी गुड। यू क्या है? ये है बीपी, वहां बीपी बढ़ जाता है। ये आप जो एफ लिखते हुए क्या है? एफ पी, एफ पी हो ना, फोकस से फोकस से हुई है, ठीक है। और एक हमारा सी पी भी होता है, तो उसको हम टू पी टू एफ कहते हैं, ठीक है। ये सारी नोन वैल्यूज हैं। अभी हमने इसको थोड़ा सा करेंगे ध्यान से, क्या है। अब आप ये देखिए, कभी आप उसको प्लस ले लेते हो, कभी माइनस ले लेते हो, इसमें बड़ी परेशानी आती है आपको, प्रॉब्लम है। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा नियम कौन से, साइन कन्वेंशन। अगर हम साइन कन्वेंशन के लॉज को सही नहीं समझेंगे तो फिर हम यहाँ पर गड़बड़ करेंगे। अभी हमने लिख तो दिया ये, लेकिन क्या लिखना एग्जैक्टली, वो दैट विल कम अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन डिस्कस कर ले। हेडिंग साइन कन्वेंशन, साइन को जगह छोड़ के लिखिए साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन कौन बताएगा? The distance from the left to the pole are taken to be negative. Okay. And right side में? Sir positive. Sir upper positive or downward negative. Okay. अब ठीक है ना बेटा? अब क्या करेंगे इसमें? ये तो लेफ्ट है, ये राइट हो गया, पोल यहाँ है। अब क्या करो? सर जहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता है ना, उस साइड लेफ्ट ले लेते हैं। अब तो यार ये तो फिर वही तो एक्सवाई कोऑर्डिनेट से सुना आपने। हाँ, ये एक्सवाई कोऑर्डिनेट है। अब हमने कैसे बना दिया ये लोग? सर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन। अभी क्या कहा था, जब मैंने शुरू में कहा था कि लॉ ऐसा होना चाहिए, हम ऐसी बात बोले जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में क्या हो, सटीक बने। सटीक समझते हो? यस सर। सो दैट्स दैट वे यू हैव टू स्टेट, राइट? तो क्या स्टेटमेंट हो गया? कभी दाएं बाएं ऊपर नीचे तिरछे तिरछे डांस का हो गया। ओरिजिन ऑफ इंसिडेंट है, डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन। यस, कौन बोला? बोलिए फिर से, बोलिए। वेरी गुड, बोलिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए। डिस्टेंसेस, डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ये दूसरा नियम बता रहा हूं मैं, वो सेंटेंस बेटी के साथ में चल रहा हूं। अभी पहला रूल रहता है, डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे are always taken positive, otherwise, otherwise माने in the opposite direction, bracket में लिखना चाहें, otherwise bracket में लिख सकते हैं in the opposite direction, taken as negative। अब चाहे right side में जाए, चाहे left side में जाए, आप इसको हिसाब देख लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। अभी देखेंगे discuss करके on the otherwise यानी bracket में आपको जाने का मौका मिला। अच्छी कॉलोनी का मतलब है, अगर आप ले भी होंगे रास्ता ढूंढने के लिए आप देखते होंगे, तो वहाँ एक जैसे कॉलोनी का एंट्री गेट होगा, वहां पर एक मैप लगा होगा। किस किसने देखा है? देखा ही है कि यूज भी किया? अब देखते हैं, पता लग जाएगा, अभी पता लग जाएगा। तो उसमें जो है, इसको ड्रॉप कर देते हैं, क्या लिखते हैं इसको, ध्यान। तो उसमें हम मैप में लिखा होता है, ऐसा ऐसा डाउट बनाया होता है, यू आर हियर, आप यहां पर खड़े हैं, ऐसे लिखा होता है। यस सर, आप यहां पर खड़े हैं।
उस पोजीशन को देखो और वहां पर फिर जो आपके सामने दिख रहा होगा ना तीन रोड, उसमें भी इस पॉइंट से भी तीन रोड दिख रहे होंगे। फिर यहां से देखो कि मौसी के घर कौन से वाले से नजदीक पड़ेगा, उस रूट पे चले। इसके अंदर ही दिखे ना रोड कहां जा रही है, मौसी के घर तो दिख गया आपके प्लॉट और नंबर भी दिख रहा है। तो फिर उसमें देखिए अगर आप इधर से पता लगे तो बिना देखे आप इधर से घूम गए, पता लगे वो वहां तो आगे ही बंद है, वहां तो है ही नहीं, तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ, और वो भी रे ऑप्टिक्स है ना, इतना तो यूज ही नहीं हुआ, तो फायदा क्या हुआ। तो आज के बाद मैं तो समझ में आ जा रही है, जाहिर है इतना तो मैं कर ही चुका हूँ, है ना, इतना तो सक्सेस हो ही गया। तो यहाँ पर यू आर हियर का पॉइंट कौन है, नहीं यू है आप हियर, हाँ सर पोल, तो पोल इज द यू आर हियर। यानी जब भी आप इसके अंदर मेजरमेंट करेंगे तो आपको कहां जाना है, पोल पे जाके खड़े हो जाना है। एक बच्चे को मैंने ऐसे समझाया क्लास में और प्रैक्टिकल के पीरियड में आके मैंने वो तो मेरे के ऊपर मैंने लाभ क्या कर दिया, तो सर आपने तो कहा था पोल पे खड़े हो जाना है, मैंने कहा बेटा ये पोल का पोल तो भारी था, उसमें जाकर खड़ा हो जाता है, तब तो तुम वहां नहीं गया बेटा, है ना। और आप तो आजकल तो ये कई बड़े बड़े पोल लगे हुए हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेंटली जाना है, नॉट फिजिकली। मैं इसलिए बता रहा हूँ राकेश जी ने मेरे हमने फोटो वाली बताई, इसलिए बता दिया क्लियर, मैं कोई गलती छोड़ता ही नहीं, इसको भी छोड़ता बिल्कुल। तो पोल पे मेंटली पहुंच जाइए, क्योंकि बीपी, अब बीपी देखिए बीपी डायरेक्शन क्या है, तो इसको यू बोला जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव, कौन सी डायरेक्शन है, देखो ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं किस दिशा में ढूंढ रहा हूं मैं बीपी, यू को बीपी ढूंढ रहा हूं मैं, अभी पॉजिटिव है, अच्छा पॉजिटिव वाले हाथ खड़े करो जल्दी से, ठीक है। अब देखिए अब नेगेटिव वाले हाथ खड़े करो, और कुछ कहीं भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो गलत है, वो बच्चे गलत है बेटा, कुछ ना कुछ बोलिए, समझ के समझिए, अगर आपको पॉजिटिव लगा तो पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव लगा नेगेटिव बोलिए, अदरवाइज हम आपको क्लियर ही नहीं करा पाएंगे, हमें पता ही लगेगा आपके माइंड में क्या चल रहा है। तो जो पॉजिटिव कह रहे हैं नेगेटिव कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं, पहले उनसे बात करें। हाँ बेटा बोलो, द डायरेक्शन ऑफ बीपी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, सो इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। तो हमने तो भी नेगेटिव वाले सुना है, जो नेगेटिव को जवाब दे, जो नेगेटिव कह रहे हैं वो जवाब दे पहले, क्यों है नेगेटिव, क्यों है नेगेटिव, नेगेटिव वाले बच्चे तो थे ना यहाँ भी, एक भी नहीं मेरे साथ, अच्छा मैं भी नेगेटिव कह रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन है, और मेरे साथ ही दोगे मुस्ताओगे जल्दी, है कौन है मेरे साथ, नहीं है मेरे साथ कोई नहीं है, कौन है, कौन है, पहला रूल पकड़ो कि कुछ भी लिखू मैं, बीपी लिखू या पीवी लिखू उससे क्या मीनिंग है, कुछ नहीं है। मेन रूल क्या है कि जब भी मैं यहाँ डिस्टेंस मेजर करूंगा सबसे पहले मुझे कहां खड़े होना है, पोल पे। अब मुझे बीपी नापना है तो मैं पोल पे गया, अब बीपी क्या है, बीपी यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है ना, तो इस डिस्टेंस कैसे नापूंगा मैं कैसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा ना, यहां से थोड़ी यहां चला पाऊंगा, आ ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे कहां रहना है, स्टार्ट करते ही मुझे पोल पे होना है, और पोल से भी जाके मुझे उस डिस्टेंस को नापना है। तो कोई बीपी के या पीबी कहे उसे तो डिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगी, वो तो यही रहेगी, तो इसको मैं नापूंगा यूं करके, और ये क्या आ रही है, तो क्या हो रहा है, तो इसलिए तो लेफ्ट साइड राइट साइड बहुत कंफ्यूजिंग होता है। फर्स्ट रूल इज क्लियर करो दिमाग में, फर्स्ट रूल इज पोल पे चले जाना है, उसके बाद डिस्टेंस मेजर करने के लिए मूवमेंट होगी, और उसके जब मूवमेंट हमारी अगर अलोंग द डायरेक्शन हो रही है इंसिडेंट के, then take it positive, if it is opposite then take it negative, चाहे कुछ भी लिखे यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, ये मैं जान के लिखता हूँ उल्टा, अगर मैं पीवी लिख के समझा जाता अगली बार आप गलती करते, लेकिन आज के बाद मुझे लगता है
कि मेरे बच्चे मेरे लाल लालियां जो है क्या नहीं करेंगी गलतियां है इसको मत गलती करने का पक्का किस किस को लगता है आप कभी गलती नहीं करेंगे ये तो दया लग रहे मुझे तो गड़बड़ है ओके तो ये क्या हो गया माइनस आता है यू इज ऑलवेज नेगेटिव ये ऐसा क्यों कहते होंगे लाइट हमेशा कहाँ से आएगी स्टार्ट मैंने कहाँ से किया था अगर कहीं इमेज बनानी है तो लाइट कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी वो कहाँ जाएगी मिरर में भाई तो इसलिए हमेशा क्या पड़ेगी वो उल्टा ही पड़ेगा कहीं रख लो दैट इज व्हाई यू इज ऑलवेज क्योंकि लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से आएगी और मिरर की तरफ जाएगी और हम उसको मेजर करेंगे तो हम फोन से यानी मिरर से ही चलेंगे जहां भी चलेंगे तो इसने हमेशा उल्टा ही बोलना है इसने यू इज ऑलवेज नेगेटिव टेक इट ग्रांटेड वी का चेंज हो सकता है क्लियर हो गया यस सर नहीं हुआ तो ये भी तब भी हो गया व्हाट अबाउट द वी कौन बताएगा वी क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों है बेटा नेगेटिव हाँ तो क्या हो गया तो ये हम अगेन क्या हो रहा है इधर ही जा रहे हैं वापस जा रहे हैं इसलिए ये भी नेगेटिव हो गया व्हाट अबाउट द एफ यही रखोगे ना तो लाइट तो यूं ही जाने वाली है और हमारी डिस्टेंस क्या है यूं ही जा रही है सेम डायरेक्शन इधर एफ कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव रहेगा उसमें डरने की क्या बात है समझने की बात है तो ये पॉजिटिव कर दूं ठीक है और ये ओके अब वापस आते हैं यहां पर अब मेरे पास नोन वैल्यूज कौन कौन सी है नोन वैल्यू है मेरे पास सीपी नोन वैल्यू है एफपी और नोन वैल्यू है बीपी एंड बी डैश पी यहां देखो मुझे क्या है बीसी है नहीं मेरे पास बी डैश सी नहीं है मेरे पास बी डैश एफ नहीं है एफ एन के बारे में देखो ध्यान से ये मिरर जो है बहुत बड़ा होता है छोटा होता है छोटा है ना ठीक है अब छोटा मिरर है और उसमें भी जब हम देखते हैं तो कहाँ देखते हैं ऑलमोस्ट बीच में होता है या किनारे ज्यादा जाते हैं तैयार व्यार होते हैं ना तो उसमें जनरली कहाँ फोकस होता है बीच में होते हैं तो यानी ये जो पॉइंट होगा जहां भी ये बहुत नजदीक होगा कि नहीं होगा और अपर्चर जब छोटा होता जाता है अपर्चर जब छोटा होगा तो दिस एन एन पी विल कॉन्साइड Okay? Yes. So now it is BC upon B'C equals to FP upon B'F. अब एक हमें मिल गया FP. ठीक है अब आपकी BC रह गया B'C रह गया B'F रह गया अब इनको हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं BC कैसे मिलेगा मुझे BC BP माइनस BP माइनस CP यानी भगीरथ प्लस है प्लस का माइनस हो रही है ठीक है तो BP माइनस CP क्लियर हो गया B'C कौन बताएगा हाथ खड़े करके बताओ बस BP माइनस 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 BP
डैश नहीं बोला था मेरे को, बोल दिया तो मेरी गलती मान ली। चाइल्ड इज ऑलवेज राइट। आपसे पहले मैंने पूछ लिया बेटा, इधर मैं भी बता दूं, मैं गजनी हो सकता है। तो क्या लिखूं बेटा, फिर से बोलना। इक्वल्स टू ऊपर में क्या लिख दूं, अच्छा बी डैश एफ कौन बताएगा, आप बताओ बेटा बी डैश एफ। एक बार और कौन बोला, उसको बोल दो बेटा बी डैश एफ। बी डैश एफ ये वाला कोड है इतना सा, बी डैश बी माइनस बी डैश एफ। फिर से बोलो, फिर क्या कहा पहले, डैश नहीं बोला था सर, बी डैश एफ को बता रहे हैं। हां बी डैश एफ ये वाला सर, बी डैश पी माइनस एफ पी। हां वेरी गुड। तो बी डैश पी माइनस एफ पी। अब जल्दी से इन वैल्यूज को रिप्लेस करो अपनी कॉपी में, कैलकुलेट करो, जल्दी से बताओ कौन सबसे पहले फॉर्मूला निकाल के लाता है। देखें जल्दी से सबसे पहले कौन लेके आता है, देखें। ये तो प्लस कैसे आ जाएंगे सारे, इधर से ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। और नीट एंड क्लीन काम हो गया ना। प्लस बी माइनस एफ अपॉन बी प्लस एफ माइनस बी प्लस एफ। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यू वी माइनस टू वी एफ माइनस एफ यू प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस fb। 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएंगे, पॉजिटिव है ये, fb नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये 2fb खत्म हो जाएंगे। तो यहां बच गया uv माइनस fu इज इक्वल टू, और ये यहां भी माइनस fb है इक्वल टू 0 हो गया इधर। तो यानी uv इक्वल टू fu प्लस fv एंड देन डिवाइडिंग बाय यूवीएफ। यूवीएफ से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय यू। इतनी सी बात थी यार, इतनी देर लगा।